भाई हमने टिकट ले लिया है और ये आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क। तो सबसे पहले जब आते हो ना तो ये आपको ये दिल वाला जो है ना ये टनल मिलेगी। और सोचिए रेगिस्तान के अंदर यानी रेत में इन लोगों ने जो है इस गार्डन को बना दिया। ये देखिए और टोटल बीच में जो बना हुआ है ना हाउस टोटल ये फूलों से बना हुआ है। ये देखिए गजब। इसकी आईज देखोगे ना बिल्कुल ऐसे लग रही है, तो बिल्कुल रियल ऐसा लग रहा है जैसे तैर रही है। और ये इसके बाल दिखाए गए हैं एक तरीके से और ये लेटे हुए और इस ड्रेस को फूलों से और पौधों से जो है कवर किया गया है। तो दोस्तों ये है यहाँ का दूसरा अट्रैक्शन एमिरेट्स फ्लाइट यानी A380 एयरबस। यहाँ तो आवाज मुझ रही है, टच कर सकता हूँ, आई कैन टच। ये देखिए आओ कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो मैं हूँ इससे दुबई में और ये दुबई का मेरा दूसरा ट्रिप है और आज मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ ना वो लेके जा रहा हूँ मिरेकल गार्डन। नाम से ही साबित होता है कि ये जादू, मिरेकल यानी जादू। जादू इसलिए क्योंकि दुबई एक तरीके से रेगिस्तान है और रेगिस्तान के अंदर ये दुबई वालों ने ना गार्डन बना दिया, फूल बना दिए, वृक्ष बना दिए और ऐसे कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन जो है वो दुबई में है। मिरेकल गार्डन की बात करूं तो गिनीज बुक में इसके 3 रिकॉर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन, दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन, दुनिया में सबसे ज्यादा फूल यानी 150 मिलियन फूल हैं और 250 मिलियन जो है वृक्ष हैं मिरेकल गार्डन के अंदर। और इसी मिरेकल गार्डन को आज हम घूमने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये मेरा रूम है और ये मैंने 5 नाइट के लिए लिया है, बहुत सस्ता रूम है। इस पर मैं डेडिकेट ब्लॉग बनाऊंगा बट मैं अभी जो जा रहा हूँ वो नीचे जा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं अभी होटल से बाहर आ गया हूँ और बाहर का मौसम देख कैसा लग रहा है कि जैसा आज बरसात पड़ी है ये, क्योंकि सुबह तो लग रहा था बरसात पड़ी है। खैर यहाँ से जो हमें मिरेकल गार्डन जाना है वो 38 किलोमीटर है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप मेट्रो से भी जा सकते हो, मेट्रो आसपास ही है, और टैक्सी से भी जा सकते हो। तो मैं जो है टैक्सी लेने वाला हूँ और देखते हैं कितना किराया होता है टैक्सी का। तो चलो टैक्सी पकड़ते हैं। तो यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी, देखो टैक्सी का भी कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने कि इसमें आके खड़ी हो जाएगी और यहाँ से आप टैक्सी कर सकते हो। ये वाली टैक्सी की थी मैंने बट ये ऑलरेडी बुकड है, तो यहीं टैक्सी आएगी। तो भाई फाइनली हमें टैक्सी मिल चुकी है यहाँ से और स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो 5 दिरहम होता है और अभी चल रहे हैं, 32 किलोमीटर है। बाहर का व्यू देख सकते हो, आज जो है बरसात पड़ी है यहाँ की। तो भाई फाइनली यहाँ से दिखाई दे गई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। ये देखिए काफ़ी दिनों बाद हम इसको देख रहे हैं लाइव। तो फाइनली दोस्तों हम टैक्सी से उतर चुके हैं और टैक्सी के बने हैं 80 दिरहम यानी इंडिया के हो गए 8 × 2 = 16, लगभग 1200 रुपये के आसपास हो गए। और जस्ट सामने जो देखोगे ये है मिरेकल गार्डन। भाई दिल यहाँ से खुश हो गया और अंदर से मैं नज़ारे दिखाने वाला हूँ आपको, दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत मिरेकल गार्डन। वाह यार क्या मज़ा है यार, ये यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। इसका टिकट कितने का है वो टिकट मैं लेता हूँ यहाँ से। भीड़ देखिए, ये देखिए कितना प्यारा यार। तो भाई यहाँ से हम टिकट लेंगे, टिकट जो है 75 दिरहम का है 12 साल के बच्चे से ऊपर का, और 60 दिरहम का है 3 से लेकर 12 साल के बच्चे का, और 3 साल से छोटे बच्चे का फ्री है। और ये देखिए यहाँ का व्यू। तो भाई हमने टिकट ले लिया है और ये आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क। ये देखिए यानी एक तरफ आप देखिए रेगिस्तान के बीच में इन्होंने कितना हरियाली पार्क बना दिया। ये देखिए आप, ये इसकी मेन एंट्री है जहाँ से हमने एंट्री की थी। ओ वाह यार क्या डिजाइन है यार। और इसके अंदर ना 6 से लेकर 7 मेन अट्रैक्शन है जो मैं आपको घुमाने वाला हूँ बारी बारी से, मजा आएगा। तो सबसे पहले जब आते हो ना तो ये आपको ये दिल वाला जो है ना ये टनल मिलेगी, ये टनल बना रखी है। तो ये यहाँ का पहला अट्रैक्शन है। ये देखिए क्या व्यू है यार, जबरदस्त है यार। ये देखिए, और जब आप इस टनल से होकर गुजरते हो ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो ये यहाँ का पहला अट्रैक्शन है और मेन अट्रैक्शन है। ये देखिए फव्वारे और इनक्रेडिबल, ऊपर पत्थर नीचे फाउंटेन, और ये सबसे सब ये ओरिजिनल है यानी कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो अभी जो है हम इसी से गुजरने वाले हैं हाइट से, यहाँ के लोग फोटो खींचते हैं, बहुत ही शानदार व्यू आता है। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग है यार, मतलब खुद आप समझ सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है ये गार्डन स्पेशली। ये देखिए, तो यहाँ पर आप फूल देखिए, वाह यार गजब। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये फर्स्ट अट्रैक्शन देख रहे हैं यानी टनल जो हाइट्स की बनी हुई है। दूसरा जो अट्रैक्शन है इनका ये है एमिरेट्स फ्लाइट्स, ये देखिए जो टोटली फूल की बनी हुई है। ये देखिए
आपको पता है दुबई में एमिरेट्स जो एमिरात फ्लाइट है उसकी कितनी वैल्यू है। ये पूरी जो बना रखी है इन्होंने पूल से बना रखी है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों अगर मैं इस मेरिकल गार्डन की बात करूँ ना, 2013 में ये वैलेंटाइन डे पे ओपन किया गया था। और सोचिए रेगिस्तान के अंदर यानी रेत में इन्होंने इन लोगों ने जो है इस गार्डन को बना दिया, यानी इतिहास हो गया। ये तीन गिनीज बुक में तीन इसके रिकॉर्ड हैं कि एक तो सबसे खूबसूरत है और दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा फूल और पौधे इसके अंदर है। 150 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं इसके अंदर। और सोचिए जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर इन्होंने जो है ये बना दिया, मिरेकल गार्डन बना दिया। बताना चाहता हूँ कि ये कुछ महीने जो बंद रहता है, मई से लेकर ये अगस्त तक बंद रहता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो उस समय सर्वाइव करना इतना आसान होता नहीं है। तो अभी हमने देखा था सेकंड पॉइंट, अभी जो हम देखने वाले हैं वो थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं। बट मज़ा आ रहा है इस जगह पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी सिटिंग प्लान है ना, बैठने के लिए सीट वगैरह, उसके ऊपर भी फ्लावर को और पौधों को सजाया गया है। यानी हर चीज़ जो है आपको पौधे से ही मिलेगी। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसके बारे में, ये इतना बड़ा है कि 72,000 वर्ग मीटर, बहुत ही प्यारा। यहाँ से मैं और एक अट्रैक्शन दिखाता हूँ आपको, ये इसका नेक्स्ट अट्रैक्शन है जो आप देख सकते हो। इसका नाम तो ध्यान नहीं है बट देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, ये देखिए बहुत ही गजब। यानी सब कुछ जो बना हुआ है ना टोटल, ये उससे बना हुआ है, फूलों से बना हुआ है, पौधों से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वॉच बना रखा है, यानी टाइम एक तरह से मेंशन हो रहा है यहाँ पर। ये टाइम है ना बिल्कुल रियल चल रहा है। देखो यहाँ 1:30 बज रहे हैं। और मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ भी मेरी घड़ी में देखो तो 1:30 बज रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ का तीसरा पॉइंट है। उधर आप देखोगे ना सामने तो घर बने हुए हैं, ये देखिए सब फूलों से और पौधों से बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, एक लेडी है जो फ्लोटिंग लेडी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से मन ही नहीं भर रहा, मतलब मन कर रहा है पूरे तरीके से एक्सप्लोर करो। अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लेकर जाता हूँ, ये देखिए वाह। अभी मैं ऊपर भी लेकर जाऊंगा बट मैं आपको ये वाला पॉइंट दिखाता हूँ। ये जो हाथी बना रखा है ना इन्होंने, ये जो बना रखा है पौधों से बना रखा है, जो बिल्कुल रियल लग रहा है। ये देखिए ये यहाँ का चौथा अट्रैक्शन है, ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर आप ये हाउस देख सकते हो, इसके अंदर भी हम जाएंगे। यहाँ से व्यू देखिए इसका, तो यहाँ पर एक हाथी बना रखा है, उधर एक हाथी बना रखा है, और अभी हम जो है इसके ऊपर चलने वाले हैं। तो अभी जो हम जा रहे हैं वो यहाँ के नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। यहाँ पर एक फ्लोटिंग लेडी भी है जो एक्चुअल में ऐसे लगती है जैसे रियल लेडी है। तो अभी ये ऊपर का पोर्शन है और बाकी में यार दिल खुश हो जाता है यहाँ आकर के। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक आ सकते हो आप। ये देखिए अभी जो है हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ का भी व्यू बहुत ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से आप इसका नीचे का व्यू देख सकते हो, ये देखिए ये देखिए। और टोटल बीच में जो बना हुआ है ना हाउस, टोटल फूलों से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ना छोटे छोटे पोर्शन बनाए गए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हो, कपल आते हो आराम से बैठो, यहाँ फ़ोटो खिंचवाओ। देखो लोग फोटो खींच रहे हैं और ये पर्सनल एक तरह से कैबिन है। तो अभी हम जो है ऊपर जा रहे हैं, वाह यार गजब। अभी इसके ऊपर वो चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ से ना कितना शानदार व्यू आ रहा है ना, ये देखिए ये देखिए। चलो ऊपर चलते हैं, वाह यार क्या व्यू है यार, जबरदस्त व्यू है। तो यहाँ से आप फोटो भी ले सकते हो, ये जो होती है ना वीडियो होती है घूमने वाली वीडियो। और यहाँ से आप ये व्यू देखिए, वाइड एंगल व्यू, वाकई में यार जबरदस्त। क्या यार जबरदस्त व्यू है यार, अमेजिंग। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, वाकई में यार गजब। ये देखो वाओ यार, और चारों तरफ आप बाउंड्री देख रहे हो, सब ग्रीनरी ग्रीनरी। ये देखिए वाकई में यार ऊपर तो मज़ा आ गया, काफ़ी फन है। काफ़ी छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हो, स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, कुछ आपको फ़ोटो वगैरह खिंचवाने हैं प्रोफेशनल वो खिंचवा सकते हो। तो अभी जो जा रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोटिंग लेडी। मतलब सब कुछ आप देखोगे ना, पूरी मैट वगैरह जो है सब टोटल आपको ग्रीन दिखाई देगा। ये देखिए कितना अच्छा बना रखा है, ये जो है टोटल इसमें अम्ब्रेला लगा हुआ है और पौधे लगे हुए हैं, ये आप व्यू देख सकते हो। और कैफेटेरिया, और यहाँ से हम जो है चल रहे हैं बाहर चल रहे हैं। आपको ध्यान है हम इधर से आए थे फिर इधर से हम ऊपर गए थे और अभी जो हम आए इधर से आए हैं और अभी जो हम जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। और ये भी रास्ता है बट बंद है। ये वाला व्यू देखिए आप, कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। मतलब एक तरीके से पेड़ है, आर्टिफिशियल पेड़ है और इसको काट दिया गया है तो बिल्कुल रियल पेड़ लग रहा है। और इसके नीचे से आप गुजरोगे, ये देखिए गजब, इसी के अंदर से जो हम चल रहे हैं। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल पेड़ हो,
ये देखिए खोखलाया आवाज आ रही है भाई, मतलब बिल्कुल अलग ही फील हो रहा है। तो मैं अब बाहर आ गया हूँ। ये देखिए इसकी आईज देखोगे ना बिल्कुल ऐसे लग रही है, देखो बिल्कुल रियल। ये देखिए कितने बड़े बड़े इसको बना रखा है इन लोगों ने। तो ये सारी जगह जो है ना फोटो खींचने के लिए है, और यहाँ पर प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो भी है, जो लोग फोटो खींचते हैं इधर से भी आप आ सकते हो, इधर से भी एंट्री है इसकी। और चारों तरफ से ये जो चारों तरफ से इसको जो है कवर किया गया है इतने बड़े बड़े वृक्षों से, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए ये है वो फ्लोटिंग लेडी जो बिल्कुल एक्चुअल में आपको रियल लगती है। ये देखिए घूम रही है, डांस कर रही है, बिल्कुल रियल लग रही है। ये देखिए वाकई में यार गजब, सही मायनों में यकीन मानो यार वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। मतलब मुझे ना अभी तक जितना मैं घुमाऊँ दो ही गार्डन अच्छे लगे हैं, पहले नंबर पर नो डाउट ये है, दूसरा रामोजी फिल्म स्टूडियो है ना जो बना रखा है। बट ये जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल मतलब कुछ भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है। ये आप ये देखिए बिल्कुल इधर देखिए, और जिस टनल से आप होकर गुजरते हो ना तो वो सस्पेंस क्रिएट कर देती है, और ग्रीनरी जो है ना वो कहीं ना आपको मतलब थक भी गए हो ना तो फ्रेशनेस ऑटोमेटिक आ जाती है। ये देखिए तो अभी जो मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा, यहाँ पर आप कैटल देख सकते हो चाय वाली किस तरीके से हैंग हुई हुई है, और ये पौधों से, और यहाँ पर सारी जो कैटल देखेंगे आप कप वगैरह देख सकते हो सब पौधों से बनाई हुई है। ये देखिए ये भी काफ़ी यहाँ का मेन एक अट्रैक्शन है, और ये पूरा जो कबर्ड है ये इतने से फूड कोर्ट है, स्नैक्स वगैरह हैं, और यहाँ पर प्रोफेशनल स्टूडियो वगैरह है। ये देखिए मतलब कप बना रखा है, और ऊपर केतली चाय सर्व हो रही है, और बीच में इन्होंने जो है पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये आप देख सकते हो। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको अंदर ले जाकर व्यू दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे मिकी माउस टाइप के होते हैं ना वो बना रखे हैं इन लोगों ने कार्टून टाइप के। ये देखिए मतलब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अमेजिंग यार, ये देखो। तो ये पूरे पार्क में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इनका एक अट्रैक्शन और है जो मैं लेडी दिखाने वाला था ना, जो मैं आपको करीब से दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा भाई, पैसे वसूल। आपको रेट मैंने अब आपको बताया था, यहाँ पर 75 दिरहम इसका रेट है, और हम देर से आए थे तो 80 दिरहम हमारे जो है लगभग टैक्सी में लग गए थे, यानी 80 दिन 160, हाँ 155 दिरहम के आसपास हमारा जो खर्च हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाता हूँ। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये स्टैचू देख सकते हो, ये है ओरिजिनल फ्लोटिंग लेडी, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे तैर रही हैं, और ये इसके बाल दिखाए गए हैं एक तरीके से, और ये लेटे हुए, और इस ड्रेस को फूलों से और पौधों से जो है कवर किया गया है, और मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्लोटिंग लेडी, ये देखिए बिल्कुल रियल लग रही है यार ये देखिए। और अभी जो हम जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं, ओ यार गजब यार क्या जगह है यार। आपको ना चूज करना मुश्किल हो जाएगा किस जगह पर फोटो खींचें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जगह ना सारी की सारी वो मेन अट्रैक्शन में आती हैं। ये देखिए क्या गजब व्यू है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो हाथी वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना आपको सब आर्टिफिशियल है, बट अच्छा कितना लग रहा है आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों ये है यहाँ का दूसरा अट्रैक्शन, एमिरेट्स फ्लाइट यानी A380 एयरबस। इसकी लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों ये 73 मीटर है, इसके अगर पर की बात की जाए ना तो 80 मीटर है। 6 महीने यहाँ पर काम किया गया था, 6 महीने में तैयार हुआ था, 5 लाख से ज़्यादा उस पर फूल लगे हुए हैं। खाली अगर मैं इसकी बात करूँ ना लोगों की, तो इस पर 9000 फूल लगाए गए हैं, और ये गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हो। ये दूसरा अट्रैक्शन है, अब इसका वाइड एंगल व्यू देखिए, तो दोस्तों ये वाला जो है अट्रैक्शन जो है मैं सारे दिखा चुका हूँ। इसके बाद एक बटरफ्लाई गार्डन और है, वो भी इसी में इंक्लूड है, लेकिन टिकट उसका अलग से लेना पड़ता है, और वो दूसरे रास्ते से वहाँ भी जाएंगे। अगर स्नैक्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्नैक्स वगैरह जो है आप ले सकते हो, और इसका रेट क्या है ये भी हम पता करते हैं कि रेट किस तरह के हैं। तो भाई मैंने ये लिए हैं, ये टर्की में भी खाए थे मैंने, ये इन्होंने 30 दिरहम के दिए हैं। अब इसका टेस्ट देखता हूँ मैं कैसा है, भाई बहुत शानदार टेस्ट है, और जब एक बार आप यहाँ आए ना एक बार ट्राई जरूर करें, इस्तांबुल में खाए थे मैंने, बस बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। चलो अभी हम बाहर जा रहे हैं और दूसरे रास्ते से जाएंगे, यहाँ का जो बटरफ्लाई गार्डन है
वहाँ चलने वाले हैं। तो यहाँ का एक अट्रैक्शन और है, ये देखो ये विलेज बना रखा है बच्चों के लिए प्यारा सा, और इसी के अंदर मैं जा रहा हूँ। वो एक गजब यार, बहुत ही शानदार। ये देखिए, ये भी यहाँ का एक और एक अट्रैक्शन है। ये देखिए यार, मतलब जो भी चीज़ बनाई है ना वो बोलो गजब बनाई है, उम्दा। ये देखिए, मतलब एक बार अगर आपके बच्चे आ गए ना तो दोबारा 100% आएंगे। ये देखिए वाकई में यार क्या दुनिया है यार। ये देखिए, वाह यार गजब। पता कैसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जो बच्चे गेम खेलते हैं ना उसमें साउंड जो आती है, मैं वहां आ गया भाई। अलग ही दुनिया है भाई ये तो, क्या गजब है यार। ये देखो, तो आगे मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना अट्रैक्शन, ये सऊदी अरबिया है, और यहाँ पर जितने भी आप स्टैचू देख रहे हो ना ये सारी के सारी टीम है। बीच में फीफा वर्ल्ड कप रखा हुआ है ये। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये डेनमार्क हो गया, और जितनी भी टीम है यहाँ पर आप देख सकते हो, इंग्लैंड हो गई, ये देखिए, और यहाँ पर बीच में ये रखा हुआ है वर्ल्ड कप जो कि अर्जेंटीना ने जीता था। ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा एक अट्रैक्शन पॉइंट बना रखा है, और यहाँ पर अर्जेंटीना के सामने जो है इन्होंने सील लगा रखी है। देखो ये ब्राज़ील टीम हो गई, अर्जेंटीना टीम हो गई, और ये देखो, ये मैंने जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये देखिए काफ़ी अच्छा ये इन्होंने जो है कर रखा है। ये देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर लेटने के लिए देखो कितना अच्छा बना रखा है। ये देखिए सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आप आराम से जो है, काफ़ी अच्छा एक अट्रैक्टिव पॉइंट, क्योंकि पार्क इतना बड़ा है आप इजीली थक जाओगे। तो भाई मैं मिरेकल गार्डन से बाहर आ चुका हूँ, 10 में से 10 नंबर दूंगा यार भाई, सपनों की दुनिया है यार। तो अभी जो हम जा रहे हैं वो बटरफ्लाई गार्डन जा रहे हैं, वो इसी का एक पार्ट कह सकते हो आप जो है। अब 55 दिरहम के आसपास टिकट बताया है, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। बाकी यार यहाँ का व्यू देखो यार, आई थिंक मेरे हिसाब से यही वाला है। देख रहे हो यार कितनी, मतलब इसकी जो बाउंड्री भी है तो कैसे दे रखी है इन्होंने, जानदार। तो भाई ये है बटरफ्लाई गार्डन जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। बोर्ड देखो कितना खूबसूरत प्यारा लग रहा है। तो भाई अभी हम अंदर जा रहे हैं, टिकट वही 55 दिरहम का है, तो शायद इसके अंदर से होकर हमें जाना पड़ रहा है। और भाई बिजनेस के मामले तो मान गया इन लोगों को, एंट्रेंस पे इन्होंने जो है शॉपिंग सेंटर रख दिया, कि बंदा जो है बाद में तो हो सकता ना ले, बट यहाँ से लेगा। चलो एंट्री करते हैं। अभी लो फाइनली हम आ चुके हैं, ये है बटरफ्लाई गार्डन। वाह भाई भाई गजब। ये देखिए वाकई में यार, ओ भाई रियल में कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो बटरफ्लाई है ना उसको आप अपने हाथ में भी ले सकते हो, खिला सकते हो। आवाज़ घूम रही है यहाँ तो आपको लग रहा नहीं होगा। ये देखिए वाकई में यार, मतलब इससे पहले जो मैं घूमा था ना सिर्फ रामोजी फिल्म स्टूडियो में घूमा था। चलो अभी हम दूसरे पर्सन में जा रहे हैं। तो ये जो आ गया ना जॉन टू आ गया, ये देखिए गजब। ये देखिए नो 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 गजब यार। ओहो ये देखिए, यहाँ तो आवाज गूंज रही है भाई, वाकई में यार मजा आ गया यार। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना आवाज गूंज रही है, और बच्चे ना डर रहे हैं, तितली से भी डर रहे हैं बच्चे। चलो आगे चलते हैं। तो यह है जोन 3। ओ भाई अलग ही सुकून है यार, गजब यार मजा आ गया भाई। अगर आप मिरेकल गार्डन आ रहे हैं तो यहाँ भी जरूर आना, बहुत अच्छा है, मतलब बर्थ है पैसे। तो यहाँ मैं टच कर सकता हूँ, आई कैन टच। ये देखिए आओ, वाओ ये देखिए भाई, ओवरऑल मज़ा आया, मैं यहाँ से जल्दी आ गया। और मतलब बहुत ही शानदार जगह है, स्पेशली कपल के लिए, फैमिली के हिसाब से। ये पूरा क्या कैफेटेरिया है, और पैसे वसूल दोनों जगह पर आएँ, वहाँ भी आएँ यहाँ भी आएँ। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर YouTube पर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो YouTube चैनल को यानी अरबाज़ ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो अरबाज़ ब्लॉग जो Facebook पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, और Instagram पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और अब मैं शॉर्ट भी डाल रहा हूँ, तो शॉर्ट की भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचती होगी। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।